हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज हम देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। बाद में दोनों के बीच में रिलेशन भी डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इसके लिए पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे ये एक ब्लॉक है जिसका मास एम है। अब इस पे ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगती है नीचे की तरफ जो इसके वेट के इक्वल होती है, और इसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स लगेगी जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन का। ये इसकी कांटेक्ट फोर्स है, बिल्कुल ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। अभी देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, ये जो वेट है ठीक है, ये जो ब्लॉक है अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है फॉरवर्ड मूव करवा रहे हैं, तो ये आ गई अप्लाइड फोर्स F, ठीक है। और ये फोर्स होगी फ्रिक्शन की जिसको हम लिखेंगे Fs मैक्सिमम, बिल्कुल स्ट्रेट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी जान दो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें देखना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, इसको मैं लिखता हूं Res। रिजल्टेंट आ गया ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। अब ये जो एंगल बनेगा थीटा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एंगल बना किसके बीच में, पहले ये एंगल बना ठीक है नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में। और इसको डिफाइन करना है तो किस तरह से लिखेंगे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन है आर एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने डिनोट किया हुआ है एफ एस मैक्सिमम। तो इन दोनों में जो एंगल बना थीटा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये ट्रायंगल। इसमें देखो अगर इसको हम नाम दे दे कुछ, ये ओ ले लो, इसको ए ले लो, ये बी और ये सी। इस ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, थीटा निकाल लेंगे। अगर यहां पर टेन थीटा हमें निकालना है तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस आ जाएगा ये वाला ओसी। तो बीसी क्या है, ध्यान दो बीसी आ गया एफएस मैक्सिमम के इक्वल, ठीक है इस डायग्राम में इस ट्रायंगल में ये जो साइड है बीसी ये आ गया एफएस मैक्सिमम के इक्वल, और ओसी ये आ गया ओसी जो कि इसके इक्वल है नॉर्मल रिएक्शन के, नॉर्मल रिएक्शन आर के। तो हमें पता है एफ एस मैक्सिमम बाय आर ये होता है कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल। इसका मतलब एंगल थीटा जो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये आएगा टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस। तो ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर है। ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, ब्लॉक लेंगे जिसमें डिफरेंट फोर्सेस को पहले मार्क किया जाएगा। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे हम इस तरफ तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट लगेगी। हमने लिखा एफएस मैक्सिमम, दो और फोर्सेस है, एक वेट की वजह से और दूसरा वेट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अभी एंगल किसके बीच में है, एक ये रिजल्टेंट के बीच में और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में ये एंगल है, हमने डेफिनेशन में यही लिखा है। यहां से देखो इस ट्रायंगल में ओ सी बी, ठीक है ओ सी बी राइट एंगल ट्रायंगल में हमने टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये आ गया बेस, इनकी वैल्यूज एफ एस मैक्सिमम बाय आर जो हमने देखा था होती है कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए। अभी देखो एंगल ऑफ रिपोज देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास
एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो ध्यान दो, जैसे नोटबुक है मेरे पास, ठीक है, ये नोटबुक है, मैं इस पे ये स्केल प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, स्केल को प्लेस किया, तो ये नोटबुक हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाए कि ये स्केल इस पे स्लाइड करने लगे। तो धीरे धीरे देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी ये स्लाइड करने लगा। तो इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल के बीच में और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो एंगल बना है उसी को हम नाम देंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो ध्यान दो, अभी हम फ्री डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, किस तरह से बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गई, ये इंक्लाइन प्लेन, ये एक ब्लॉक है जिसका मास एम, ठीक है, ये फोर्स लग रही है वेट की वजह से, एम जी के इक्वल है, और इस सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल यहां से नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और अगर ये बॉडी स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ तो ये अप्लाइड फोर्स या गया फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये एंगल जो बनेगा फाइव, इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये एंगल कब बनेगा, जब ये बॉडी जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, तो इसी को बोलेंगे, ठीक है, इसी को नाम देंगे एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान दो, अभी इसके बाद देखो, ये वेट आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन, हम क्या करेंगे, इस वेट के कंपोनेंट्स लेंगे, और इस वेट के कंपोनेंट्स में तो किस तरह से होगा, ये एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये अगर एंगल फाई है तो ज्योमेट्री से देखेंगे ये भी एंगल फाई आएगा, ये एंगल फाई तो ये भी एंगल फाई, इसका मतलब ये वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और ये आ गया वेट का वर्टिकल कंपोनेंट mg sin phi। तो पहले इस फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से देखना, यहां से हमें क्लियर होगा fs मैक्सिमम जो है mg sin phi के इक्वल है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है mg cos phi को, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो दो इक्वेशंस हमें मिलेंगी, क्या क्या, mg sin phi ये बैलेंस कर रहा है fs मैक्सिमम, ठीक है, fs मैक्सिमम को बैलेंस कर रहा है, इसको इक्वेशन नंबर वन लिख दो, और mg cos phi जो है वेट का cos phi कंपोनेंट ये बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये fs मैक्सिमम और ये r दोनों को डिवाइड करेंगे mg sin phi बाय mg cos phi, ये आ गया fs मैक्सिमम बाय r। तो हमने देखा fs मैक्सिमम बाय r ये किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के, म्यू s के इक्वल होता है, और यहां पे देखो mg कैंसिल, tan phi इक्वल्स टू म्यू s, या फिर phi equals to tan inverse of mu s। तो हमारे पास coefficient, ठीक है, हमारे पास angle of repose आया tan inverse of coefficient of limiting friction, बिल्कुल यही value हमने देखी थी angle of friction के लिए भी आई थी, हमारे पास आया था theta equals to tan inverse of mu s, ये theta था angle of friction और यह angle of repose, इसका मतलब phi equals to theta, ये दोनों angles numerically equal होंगे। तो इनमें relation क्या आया, angle of friction is numerically equal to angle of repose। तो ये था angle of friction क्या होता है और angle of repose क्या होता है और इनमें relation क्या है। तो हमने देखा theta equals to phi आएगा। तो आज हम इतना ही रखेंगे, thank you।